नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। चलिए शुरू करते हैं यूपी की आज की पांच बड़ी खबरें। पहली खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में मकान में धमाका हुआ है, कई घरों के पड़खच्चे उड़ गए हैं, एक की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए। बलरामपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के गदुरहवा में सोमवार की सुबह एक घर में आतिशबाजी के बारूद से जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें कई मकानों के पड़खच्चे उड़ गए। धमाके में पड़ोसी घर के एक युवक की मौत हो गई, दो अन्य घायल हो गए। धमाके की छानबीन में पता चला कि मकान मालिक मोहम्मद अकरम के नाम से रेडीमेड आतिशबाजी बेचने लाइसेंस है। अकरम की दुकान नगर कोतवाली क्षेत्र के तुलसीपुर रोड पर बिजलीपुर में थी। वहां पर दुकान के गोदाम को लेकर विवाद हुआ। अकरम अपनी सारी आतिशबाजी घर में लाकर अवैध रूप से रखे हुए था। एसपी देवरंजन वर्मा ने पुष्टि की कि बारूद से ही विस्फोट हुआ है। दूसरी खबर आगरा से, यानी कि इस तारीख से आप कर सकते हैं ताज के दीदार। आगरा किले के भी खुलेंगे द्वार, डीएम ने जारी किए आदेश। ताज नगरी के लिए बड़ी खुशखबरी है। 21 सितंबर से ताज महल और आगरा किले को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। 1 सितंबर से बाकी सभी स्मारक खुल चुके हैं। सोमवार को कोविड समीक्षा के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताजमहल और किला खोलने के आदेश जारी कर दिए। कोरोना वायरस महामारी के कारण ताजमहल और आगरा किले समेत सभी संरक्षित स्मारकों में 17 मार्च से पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार 1 सितंबर से सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी और समेत छोटे बड़े स्मारकों को खोल दिया गया है। वहीं तीसरी खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में तैयार किए गए 300 बेड के कोविड अस्पताल का सोमवार सुबह लोकार्पण किया। इसी के साथ ही बीएसएल 3 लैब और प्लाज्मा थेरेपी की भी शुरुआत हो गई। बीआरडी में कोविड मरीजों के लिए अब कुल 500 बेड हो गए हैं। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बीआरडी के बाल रोग संस्थान में 300 बेड वाले कोविड अस्पताल को बनाने के निर्देश दिए थे। 300 बेड के अस्पताल में 200 बेड लेवल 2 और 100 बेड लेवल 3 के होंगे। 100 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा भी मिलेगी। वहीं अन्य एक चौथी खबर भी कोरोना से जुड़ी है। देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एसपीएसजी पीजीआई के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती आईएएस सुशील कुमार मौर्य का सोमवार सुबह 6 बजे निधन हो गया। वह 10 दिन पहले कोविड पॉजिटिव होने के बाद एसजी पीजीआई में भर्ती कराए गए थे। इस दौरान उन्हें प्लाज्मा थेरेपी सहित अन्य दवाएं दी गई थी लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एसजी पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान ने बताया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से उनके लंग्स सहित अन्य के हिस्सों में काम करना बंद हो गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सुशील कुमार मूल रूप से जौनपुर के निवासी हैं। 1994 बैच के पीसीएस अफसर तथा 2010 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। वह वैनपुरी, सुल्तानपुर, बलिया, गाजीपुर आदि जिले में एसडीएम, एडीएम, सीडीओ आदि पद पे सेवा दे चुके हैं। चौथी खबर प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई है। पांचवी खबर, प्रदेश सरकार ने मनरेगा व अन्य परियोजनाओं में कार्यरत महिला श्रमिकों को निर्माण स्थल पर ही पुष्टाहार उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके तहत इन श्रमिक महिलाओं को आंगनबाड़ी पर मिलने वाली सभी सुविधाएं कार्यस्थल पर मुहैया कराई जाएगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी मोबाइल वैन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। आपको वीडियो कैसा लगा? खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तमाम अपडेट के लिए।